ईडी की जांच रिपोर्ट में अब नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। दरअसल रिपोर्ट में कहा गया है कि साहिबगंज के पत्थर व्यापारी और लीज धारक पंकज मिश्रा के अधीन व्यापार करने को मंजूर थे। स्टोन चिप्स और बोल्डर पहले पंकज की डीलरशिप फर्म को सस्ती दर कर बेचते थे और इसके बाद पंकज के फर्म के सहारे ऊंची कीमत पर दूसरों को बेचते थे। इसी खरीदी बिक्री के दौरान उन्होंने होने वाले मुनाफे को पंकज के खाते में जमा करते थे। पंकज ने पूछताछ के दौरान पहले ऐसे लोगों को पहचानने से इनकार किया, लेकिन बाद में उसे इसे स्वीकार कर लिया। जांच में पाया गया कि हतुआ कंस्ट्रक्शन, बालाजी इंटरप्राइटेड, शिव शक्ति साई और गणपति इंटरप्राइटेड सहित अन्य संस्थानों ने पंकज के बैंक खाते में नकद राशि जमा की थी। पंकज के बाद एक बैंक खाते में सिर्फ भुगतान स्टोर के ने 4.87 करोड़ रुपए जमा किए थे। वैसे जांच में पंकज के पहले तो भगवान स्टोन के मालिक भगवान भगत को पहचानने से ही इनकार कर दिया था। बाद में उसने इसे व्यापारिक गतिविधियों को देख रेख करने वाले के तौर पर पहचान की थी। वहीं जांच में पाया गया कि पंकज के पास माइनिंग लीज पहले से था, बाद में उन्होंने डीलरशिप लाइसेंस लिया था। फिलहाल पंकज की पोल जिस तरह से खुल रखी है उसमें साबित कर दिया है कि अवैध कारोबार कितने बड़े लेवल पर चल रहा था।